नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नाले दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूं बीरेन कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूट्यूब की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप यूट्यूब पर न्यूज वगैरह सुनते हैं या आप गाना वगैरह सुनते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे कि लोग, कुछ लोग तो देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग देखना नहीं बल्कि प्ले करके मोबाइल रख देते हैं या जेब में रखना चाहते हैं, लेकिन अब जो है अगर जेब में रख दें तो वो गाना जो है कट जाता है, जो भी प्ले करके रखते हैं वो कट जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएँगे कि आप यूट्यूब ओपन करेंगे, यूट्यूब कोई वीडियो प्ले करके उसके बाद आप अपनी जेब में रख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यूट्यूब की वीडियो जो है ऑटोमेटिक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वीडियो दिखाई नहीं देगी और आपको आवाज़ जो है सुनाई देती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप किस टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं, टॉपिक का नाम आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको यहाँ पर एक सेटिंग बताने वाले हैं यूट्यूब की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको अपनी सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको नीचे आना है। तो नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐप स्प्लिट स्क्रीन। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देती तो आपको यहाँ ऊपर जो एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस एडिशनल सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर डिवाइस एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहीं पर आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन स्प्लिट का। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐप स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन दिखे आपको उसी पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर ऐप स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन डिसेबल दिख रहा है, आपको इसको इनेबल कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसे इनेबल कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे बैक आ जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको अपने YouTube को ओपन करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना YouTube ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर YouTube की कोई भी वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ से चलिए कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ। तो जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको ये वीडियो देखिए यहाँ पर प्ले हो चुकी है। दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हो कि वीडियो इस समय चल रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ नीचे आना है। जो आपके नीचे यहाँ तीन बटन दिखाई देती है, उसमें से जो आपको मिनिमाइज की बटन दिखे, आपको ये वाला बटन देख लेना है ध्यान से। तो आपको इसी बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, इस पर दबाना नहीं बल्कि दबाए रखना है कुछ देर के लिए। तो जैसे मैं इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यह देखिए यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है बल्कि अब यहाँ पर आपको सीधा होम की दबाना है। ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इस बटन को आप सीधे दबाइए। तो यह देखिए, मैंने इस बटन को दबाया और यहाँ पर जो है YouTube जो है कट गया, लेकिन YouTube की जो वीडियो थी वो चल रही है, आवाज अभी भी हमें सुनाई दे रही है। 10,000 करोड़ का फंड है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आप सुन पा रहे होंगे कि आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर आप कुछ और अगर काम करना चाहते हैं तो उस काम को भी यहाँ कर पाएंगे, या आप अपने मोबाइल को लॉक करके जो है अपनी जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन वो वीडियो चलती रहेगी, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती रहेगी, चाहे वो कोई गाना हो या फिर कोई न्यूज़ वगैरह की वीडियो हो जो आप सुनना चाहें। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए और इससे जो है यूट्यूब की वीडियो प्ले करके आसानी से सुन सकते हैं।